हम इस समय मौजूद हैं फरीदाबाद के मोहना गांव में, जहां जेजेपी की जन नव संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है। और ये जो रैली है, ये दूसरी रैली है, दूसरे लोकसभा क्षेत्र है फरीदाबाद। इससे पहले सोनीपत में ये इस तरह की रैली का आयोजन किया गया था। और आज मैं आपको पहले इस जो रैली है उसका नज़ारा दिखाऊँगा। सबसे पहले मैं पीछे की आपको दिखाऊँगा तस्वीरें की, जो ये पंडाल है जेजेपी के, जो रैली के लिए पंडाल लगाया गया था वो पूरी तरह से भर चुका है। और लोग जो हैं अपने नेता का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें आज शामिल होने वाले हैं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला, इसके अलावा डिप्टी सीएम शामिल होंगे, प्रधान महासचिव जो हैं दिग्विजय सिंह चौटाला शामिल होंगे, इसके अलावा जो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं निहाल सिंह, वो शामिल हो रहे हैं इसमें। और मैं एक और तस्वीर आपको दिखाऊँगा कि लगातार जो है लोगों के आने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं पंडाल के बाहर भी लगातार लोगों की भीड़ मौजूद है। और सामने एक और तस्वीर है कि जिस तरह से लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं लोग और रैली में भाग लेने के लिए, तो जो जेजेपी ने तय किया है कि लोकसभा के तमाम जो 10 लोकसभा क्षेत्र है फरीदाबाद की, 10 लोकसभा सीट है, उसमें रैली करने की। और जो वोट जुटाना है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार जो जेजेपी है वो बीजेपी से इतर अपने स्तर पर चुनाव लड़ेगी और उसी की ये तैयारी है। इससे पहले भी जो जेजेपी के तमाम नेता कह चुके हैं कि वो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो ये उसकी एक वानगी है और एक उसकी ये तैयारी की तस्वीर है जो कि फरीदाबाद से है। यहाँ लोग लगातार आ रहे हैं रैली में और देखना अब ये होगा कि लोगों का जो ये प्यार है, ये लोकसभा जब चुनाव आएंगे तो वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा, जेजेपी के लिए कितनी बड़ी सक्सेस दिला पाएगा, हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन।